नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश गौड़ और आप देख रहे हैं टैक्स बुलेटिन 24। दोस्तों, टैक्स बुलेटिन 24 में आज हम बात कर रहे हैं एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 2020 के बारे में। दोस्तों, क्या है ये एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 2020, कौन सी एलएलपी पर ये स्कीम एप्लीकेबल होगी और कहाँ ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। साथ ही साथ बात होगी कि कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं जिन फॉर्म्स के लिए इस स्कीम को लगाया गया है, और बात होगी पेनल्टी प्रोविजंस के बारे में। तो आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 2020 के बारे में। एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 2020, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने ऐसी एलएलपी जिनकी लंबे समय से फॉर्म्स की फाइलिंग पेंडिंग पड़ी हुई है, फॉर्म्स कौन से, एलएलपी फॉर्म 3, एलएलपी फॉर्म 4, फॉर्म 8 और फॉर्म 11, ये चार फॉर्म्स के लिए ये स्कीम लगाई गई है। फॉर्म 3 आप सभी अच्छे से जानते हैं, फॉर्म 3 जो है एलएलपी का, वो एलएलपी एग्रीमेंट में अगर कोई चेंज हुआ है तो उसके लिए फाइल करना होता है, तो उस फॉर्म के लिए ये स्कीम लगाई है, और वो फॉर्म अभी तक एलएलपी ने फाइल नहीं किया है। उसके अलावा फॉर्म 4 जो पार्टनर्स के पर्टिकुलर्स में चेंज होते हैं, किसी पार्टनर का एडमिशन, किसी पार्टनर का सेसेशन, तो इन सभी पर्टिकुलर्स के लिए एक फॉर्म फाइल होता है एलएलपी फॉर्म 4, तो अगर वो फॉर्म भी आपका फाइल नहीं हुआ है, एलएलपी फॉर्म 8 जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का फॉर्म है, और एक एलएलपी फॉर्म 11 जो एनुअल रिटर्न का फॉर्म है एलएलपी का, तो इन सभी फॉर्म्स की अगर फाइलिंग पेंडिंग है और ये फॉर्म्स ड्यू थे फाइल होने के लिए 31 अक्टूबर 2019 तक, तो ऐसे फॉर्म्स के लिए आज एलएलपी सेटलमेंट स्कीम लगाई गई है जो स्टार्ट हो जाएगी 16 मार्च 2020 से और जिसका एंड होगा 30 जून 2020 को। मतलब 90 दिन के लिए यह पीरियड लगाया गया है, और इस 19 डेज के पीरियड में आपको अपने सभी लंबित फॉर्म्स जो फाइल करने थे, सभी मतलब चार फॉर्म्स, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 8 और फॉर्म 11, इन चारों लंबित फॉर्म अगर फाइल नहीं किए हैं जिन एलएलपीज ने, वो अब इन फॉर्म्स को फाइल कर सकते हैं, और इन फॉर्म्स को फाइल करने के लिए ये 19 डेज का पीरियड दिया गया है। ये 90 डेज कौन से, जो स्टार्ट होगा 16 मार्च से 2020 और ख़त्म होगा 30 जून 2020 को, ऐसे फॉर्म्स को फाइल करने के लिए ये समय सीमा दी गई है। इसके लिए जो पेनल्टी प्रोविजन लगाया गया है, वो पेनल्टी प्रोविजन ₹10 पर डे का लगाया गया है, जिसकी मैक्सिमम अमाउंट ₹5,000 हो सकती है। जी हाँ, आप सिर्फ ₹10 पर डे की पेनल्टी पर, एक नॉमिनल पेनल्टी पर आपको ये फॉर्म फाइल करने की रियायत दे दी गई है, और उसके बाद ये मैक्सिमम अमाउंट ₹5,000 तक हो सकती है। तो एलएलपीज के लिए ये एक अच्छी खबर है, वो अपनी सभी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं मात्र ₹5,000 की पेनल्टी पे करने के बाद। इसके अलावा कौन सी फर्मों को इसमें छूट दी गई है जिन्हें इस एलएलपी सेटलमेंट स्कीम के अंतर्गत फॉर्म फाइल नहीं करने, अगर किसी एलएलपी ने अपना फॉर्म 24 फाइल किया हुआ है एलएलपी से स्ट्राइक ऑफ होने के लिए एमसीए के पास, तो ऐसी एलएलपी को अब इन फॉर्म्स को फाइल करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सेक्शन 37(1) के अंतर्गत अगर किसी एलएलपी ने कोई फॉर्म फाइल किया है स्ट्राइक ऑफ करने के लिए अपनी एलएलपी को, तो ऐसी एलएलपी को इस सेटलमेंट स्कीम के अंतर्गत अपने सभी लंबित फॉर्म फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके पास अगर ऐसी कोई एलएलपी है जिनके अंतर्गत कोई भी फाइलिंग पेंडिंग पड़ी हुई है, तो ऐसी फाइलिंग को करने का ये एक सुनहरा अवसर एमसीए ने प्रोवाइड किया है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू।